तीन मिनट हो गए बस इसका नजर ना लगे बिल्कुल भी। ओए ओए दोनों के दोनों देखो कैसे मिल रहे हैं। पप्पी को लेके घर पहुंच गया हूं अभी। पीकू का और अल्फा का दोनों का रिएक्शन देखें। क्या हालत देखो भाई, एलर्जी से कैसी हो रही। मदर फादर बच्चा तीनों के तीनों आगे। ओए अल्फा नो अब। सो हे गाइस वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग और आप देख रहे हैं सीएचपी के व्लॉग। सुबह उठते ही कल्लो की याद आ जावे क्योंकि वो ना घर में खेलती कूदती घूमती रहती है इधर कभी इधर कभी उधर, कभी खरगोश का घर चेक करती थी, कभी कुछ करे थी। पीकू भी ये बैठा आराम से इधर। अल्फा तो नीचे है लेकिन इस कबूतर को देखो, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा कि ये कबूतर का वही बच्चा है। हमने टोकरी लगा रखी ना नीचे उस पर बैठा रहे। पीकू क्यों परेशान हो रहा। और गाइस पीकू का थोड़ा सा आराम है। उठ गया उठ गया। अब यार इस पर उड़ नहीं जाने का, पकड़िए मत इसे। रिव्यू लेट रहा, मुझे बुला रहा। गाइस अल्फा के शरीर पे भी हल्की हल्की एलर्जी होनी स्टार्ट होगी क्योंकि ये भी रेत में लटका रहा है। गाइस आज प्लान है वो जो नया पप्पी था ना जो हमने देखा था उसे लेने के लिए चलेंगे। वो पप्पी तो मेरे को बहुत पहले लेके आना था क्योंकि उसका टोकन वगैरह सब कुछ गया हुआ है। तो यूज में जो सामान आया था वो भी दो दिन हो गया यार, ऐसे ही पड़ा नीचे। किराया बिना बात लगा लग रहा क्योंकि मैं गया ही नहीं लेके, ऐसे ही पड़ा हूं। गाइस आज काम करेंगे भाई। इधर टिल्ली को देखो, इसके हाथ में बीड़ी है। ये बीड़ी पी लग रहा। पापा यहीं खड़े, पापा भी बीड़ी पिया, चाचा बीड़ी पिया, बीच में टिल्लू बैठ के बीड़ी पी रहा। बीड़ी वाला गैंग बन गया ये। आज सुबह खरगोश ने भी सीन बना दिया जो ब्लैक और व्हाइट वाला है ना, इसने क्या करा, ये डंडा यहाँ लगा हुआ नहीं था तो इसके नीचे को निकल गया। इसके नीचे को निकल गया, पूरी रात घर में ऐसे ही घूमता रहा। वो तो शुक्र है ये किसी के हाथ नहीं लगा, ना अल्फा के ना पीकू के, बल्कि पीकू तो कुछ कह ही नहीं था, अल्फा के हाथ नहीं लगा। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब मिस्त्री का काम इधर की साइड खत्म हो और कब इधर की साइड काम शुरू हो। जब भी मंदिर में आया हुआ था और ये देख लो बंदर वहाँ बैठा, कुत्ता यहाँ लेट रहा, इनकी दोस्ती है पक्की। एक कुत्ता ये लेट रहा, एक कुत्ता ये लेट रहा, एक बंदर वो घूम रहा, एक बंदर वो घूम रहा। छोटा बंदर है वो, पानी पी रहा वो। डाक अवार्ड लेने के लिए जाऊँ और भगवान जी से बस एक ही चीज मांगता हूँ और वो सब आप लोगों के सामने भी बता रहा हूँ। मेरे पास जितने भी जानवर है, मेरे पास जितने भी डॉग है, मेरे पास जितने परिंदे हैं और आगे भी अगर मैं कोई परिंदा जानवर कुछ भी पालता हूँ, डॉग्स पालता हूँ, तो भगवान उनके साथ ऐसा कभी ना हो जैसा कि कल्लो के और अल्फा के साथ हुआ। एकदम ऐसी मौत गाइस, ऐसा कभी ना हो उनके साथ कभी भी। बस वो सही रहे, बिल्कुल फिट रहे। इधर व्यू अपने हाथ में टंडी ले रहा है और ऊपर बंदरी है ना ये भी खेल रही इसके साथ। अबे यार ऐसा काम ना हो जाए, एक काट ले इसका। ओ इधर आ, नहीं ओए नो नो। खरगोश को ये कह रहा है कि बहुत डरे हैं लेकिन ये देख लो ये हमारे घर में किसी से नहीं डरता, ना पीकू से डरते ना हमसे डरते। व्यू तो अपने हाथ में उठा के लेके चल रहा है इसे। ओए व्यू कहां ले जा रहा। अबे ओबे ओबे तू पागल है ना, ईंट ईंट ना खाते ये। अबे ईंट नहीं खाते। खेत में आया था घास लेने के लिए, भैंसों के लिए घास तो ले लिया, खरगोशों की डाइट भी ले लूं। उसके लिए रोज अलग अलग स्पेशल घास जाया करेगा क्योंकि मैं रोज लेने के लिए आकर ना अब ये घास ज्यादा मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब रोज आना तो रोज ताजा ताजा घास लेके चलेंगे। गाइस जब घर जाते ही नए पप्पी को लेने के लिए जाऊंगा। फाइनली घर आ गया हूं। आते ही देख लो अल्फा कैसे लाड़ कर रहा था और पीकू भी, दोनों का टाइम हो गया बाहर जाने का। गाइस व्यू भी ऊपर से आवाज लगा रहा। हां ओए नीचे उतर जा, उतरे नीचे ओ उधर। गाइस यहां जितने गमले हैं वो सारे हटाने पड़े। अल्फा को ये मिल गई है फीमेल है ब्लैक कलर की। ओए अल्फा नो, अब ओए अल्फा नो। गाइस अल्फा ने एग्रेशन कर लगा दूसरे डॉग की तरफ को। ये तो दोस्त बनना चाह रही लेकिन ये दोस्त नहीं बनाना चाह रही है। गाइस अभी पहले भाई की शॉप पे आ गए हैं और भाई भी मिल गए भाई अपनी वीडियो देख के अपने सब्सक्राइबर। और भाई ए रुक जा फोन ना गिर जा। गाइस नीचे चेक करो ये निकल की फीमेल। गाइस गाइस अभी पहले भाई के पास जा रहे हैं, भाई के पास भी एक एबीबीटी का पप्पी है उसे देखने के लिए जा रहे हैं। गाइस अभी भाई ये कह रहा था कि पप्पी है लेकिन पप्पी नहीं है, वो तो पूरे का पूरा डॉग है। ये हमें भगा के ले आया कि पप्पी है और रास्ते में आते आते उसकी हिस्ट्री बता रहा था कि वो आदमी के ऊपर भी अटैक कर दे। ये है क्या भाई, ये तो अमेरिकन बुल्ली लग रहा है। ये सामने अमेरिकन बुल्ली है लेकिन इसकी हालत देखो भाई, एलर्जी से कैसी हो रही यार, बिल्कुल ऐसी हालत हो रही इसकी तो जैसे कि इन्फेक्शन। गाइस एलर्जी से ये देखो इसकी हालत क्या हो रही है यार, तो सारे बाल उधर गए। गाइस एलर्जी में देखो कैसा हो जावे डॉग यार, डिमांड नहीं चल रहा इसका। ये एडॉप्शन के लिए है, अगर किसी को चाहिए तो फ्री में, मतलब वैसे तो इसकी हालत देख लो, एलर्जी बहुत हो रही है इसका लेकिन ये ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाकी ये घर पे तो पाल ही रहे अपने और अगर किसी को चाहिए तो भाई ये फ्री है, अगर कोई रख सकता हो और एलर्जी ठीक कर सकता हो इसकी तभी है। ऐसे नहीं है कि भाई कोई ले जाओगे और वहां जाके छोड़ देगा। जिसका नाम लियो है और ये ना भाई वुमेन एग्रेसिव है। ये देखो कैसे मुंह चढ़ा रहा, तिरछा मुंह कर रहा है, तो जैसे आदमी नहीं करा करता बात करते वक्त तिरछा मुंह। भाई दूरी ठीक हूँ मैं इससे क्योंकि ये ना वुमेन एग्रेसिव भी है थोड़ा सा। कपड़े पे लगा दी ग्रिप, एबीपीटी की ग्रिप पूरी तगड़ी हो, एबीपीटी देखने में थोड़ा सा देसी लगा है। ग्रिप देखो भाई कितनी तगड़ी हो है, एबीपीटी की ग्रिप सबसे ज्यादा तगड़ी हो है। जिस कपड़े में इसने ग्रिप लगाई थी ना वो कपड़ा इस पे से कोई नहीं ले सकता, इसका जो दूसरा मालिक है ना वही ले सके और वो अभी घर है नहीं, तो अब इस कपड़े के चीथड़े पटने वाले। इसका बेड है भाई, हाथ में पानी का गिलास था, दोनों के दोनों एकदम से आए भाग के। ओए रुक 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 भाई, ओ रुक भाई रुक रुक प्लीज प्लीज, एकदम मतलब दिमाग में भी नहीं था, दिल में भी नहीं था कि आएंगे। मदर फादर बच्चा तीनों के तीनों आगे। ये पप्पी का फादर है, ये पप्पी है और ये पप्पी की मदर है। इसे देख लो भाई तुम, जिसे हम ले जाने वाले हैं अभी। हाँ भाई, और गाइज गाइज इसका नाम जरूर बताना, क्या नाम रखे इसका। वैसे तो इन्होंने इसका नाम रख रखा बुरा। अरे बुढ़का भर लेता इनने तो। ये सब लंबे समय तक रहा है इनके पास, वालों को भी हेयर हो जावे, सबको हेयर हो जावे। जब भाई पप्पी छोटा सा हुआ है और ये बड़ा हो जावे अपने सामने ही तब बहुत हेयर हो जावे।
थोड़े दिन तो इसका मन नहीं लगने का क्योंकि अपनी माँ के पास से जा रहा, अपनी माँ के साथ ज्यादा खिलाड़ी कर रहा था, अपने पापा के साथ तो करे नहीं था लेकिन अब कर रहा अपने पापा के साथ खिलाड़ी। ये मैं सूंघ रहा है, अब ये नहीं पता ये मेरा पैर ना पकड़ ले सीधा, मेरे साथ तो लगे ही है क्योंकि इतना बड़ा मुंह है, सीधा जबाड़ा के अंदर ही ले जाऊंगा पूरे का पूरा पैर। वैसे ही देख लो फ्रेंडली भी पूरा है लेकिन भाई डर तो लगे ही है। फाइनली ये पप्पी ले लिया, घर लेके चलेंगे। और ये हमने लिया है कैंडी मैक चैनल से, भाई का चैनल है। आज अभी मिलने के लिए जा रहा क्योंकि घर में सब फैमिली वालों को लाड़ प्यार हो गया था ना। गाइस अभी अपने पापा से भी मिल रहा, मम्मी से भी मिल रहा, अपनी मम्मी को भी बाय बोल दे, बोल दे बोल दे, जा तो रहा अपनी मम्मी के पास बाय बोलने के लिए। चलो तो भाई चलते हैं, ठीक है भाई, टाटा बाय बाय। हनुमान डिल्ले आ गए हैं, प्रसाद चढ़ा के चलते हैं। फाइनली पप्पी को लेके घर पहुंच गया हूँ। अभी पीकू का और अल्फा का दोनों का रिएक्शन देखेंगे क्या होगा इससे मिलने के बाद। अल्फा तो आ गया भाई, सबसे पहले मीटिंग है अल्फा के साथ ही इसकी, पूंछ हिला रहा वैसे तो, अल्फा भी पूंछ हिला रहा, पीकू भी आ गया। ओए ओए दोनों के दोनों देखो कैसे मिल रहे इससे, लेकिन पप्पी ने तो भाई पूंछ अंदर ही दे ली। अल्फा मेरे से ना मिले, नया पप्पी आया उससे तो मिला, अब ये तो मेरे से मिलने के लिए एक्साइटेड है, डरा हुआ है पप्पी, ये देख लो। अबे रुक अल्फा, ओए घरोंटे मार दिए। पीकू तो बहुत खुश हो गया यार इससे मिल गए, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि पीकू इतना ज्यादा खुश होगा क्योंकि पीकू ना इतना ज्यादा खुश नहीं होता किसी से मिले जब, लेकिन इससे मिलकर थोड़ा सा ज्यादा खुश हुआ। देखते हैं व्यू का क्या रिएक्शन होगा इसे देख के, मम्मी को भी दिखा लूं। अल्फा भी बहुत ज्यादा खुश है इससे मिलकर, तो अभी व्यू को देखते हैं क्या रिएक्शन होगा व्यू का। चलो 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 चलो, व्यू तो खुश हो गया इसे देख के, और वैसे ये भी खुश हो गया अंदर आके कमरे में तो। हाँ अल्फा को तो ये हो रहा कि मुझे छोटे का कांच लगाया था, शेर सा बस इसके नजर ना लगे बिल्कुल भी। और पीकू भी आ गया इधर से, घर में 3 मिनट हो गए, 1 2 3। ओ ये कीड़ा कहाँ से आ गया, अबे भाई अल्फा ने पप्पी ले ली व्यू की, अल्फा तो इसकी भी पप्पी ले रहा, व्यू की भी पप्पी ले रहा, पीकू की पप्पी ले ली जाके। हाँ क्या कपड़ा बिछा दूँ? ओ माय गॉड व्यू, ये कह रहा कि कपड़ा बिछा दो, कपड़े के ऊपर सोएगा ये, लुटा दे इसको, ला मैं खोल लूँ। ये देख लो व्यू कितनी केयर कर रहा है इसकी। अल्फा क्या चाह कह रहा, गाइस अल्फा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। ओए करंट मार दी कमर पे, व्यू ना बिस्तर पे बैठा दिए, पीकू को कह रहा पीछे हो जा, और अल्फा को भी हटा रहा, बल्कि अल्फा को नहीं हटा रहा पीकू को हटा रहा। व्यू भी इसी चटाई पे बैठ गया और ये भी इसी चटाई पे बैठ गया, दोनों की पिटाई कर दी इनने, लेकिन इसका भी मन नहीं लग रहा अंदर कमरे में, ये भी इनके साथ ही भाग रहा। क्या गाइस, वैसे पीकू बहुत ज्यादा खुश हो गया से मिल गए, हाथी टक्कर मार दी इसके, अबे पागल है तू। व्यू रहने दे गाइस, व्लॉग एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे नजदीक में जो भी है, जो डॉग्स पालते हैं, जिसके पास 2-3 डॉग्स हैं और वो डॉग्स पालते हैं, अपना कैनल भी चलाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते रहे, मैसेज भी करते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे डॉग्स के साथ वीडियो बना दो। ऐसे जो भी चाहता है, जो भी करना चाहता है, जो भी बोलना चाहता है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना खुद का नंबर दिया हुआ है गाइस, उस पर प्लीज ऐसे कॉल मत करना। वैसे वो अभी स्विच ऑफ मिलेगा लेकिन 1-2 दिन के बाद वो खुल जाएगा, जब नॉर्मल सी बात हो जाएगी उसे सेव कर लेना। और जो कोई होगा और अगर किसी का नज़दीक में कैलन है या फिर मतलब डॉग्स हैं जिनके पास बहुत सारे 2-3-4, और तो वो मेरे को कॉल कर देना, तो गाइज आप लोगों के साथ वीडियो बनाएंगे फिर तो। और आज का वो लोग अपना यहीं पे एंड करते हैं। और गाइज आप लोगों को लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि ये जो पपी है ये मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा, क्योंकि अभी रात को फाइनल होने वाला है कि ये मैं अपने पास रखूँ या ना रखूँ।